फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बड़ा ही खास और बड़ा ही अहम है क्योंकि यह है क्लास ट्वेल्थ की बुक विस्टास का लेसन ऑन द फेस ऑफ इट और जिसके राइटर हैं सुसैन हिल। फ्रेंड्स इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं, आइए इन्हें प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम। मिस्टर लैम की कौन सी क्वालिटी है, कौन से गुण हैं जो डेरी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? आंसर देखेंगे तब। द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के ये गुण अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम, डेरी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फर्स्ट, पहले, ही इंस्पायर्स डेरी टू फेस द वर्ल्ड, वह डेरी को प्रेरित करता है संसार का सामना करने के लिए। सेकेंड, दूसरे नंबर पर, ही एडवाइजेज डेरी, वो डेरी को सलाह देता है टू स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करने के लिए। ऑन व्हाट पीपल से अबाउट हिज फेस, कि लोग उसके चेहरे के बारे में आखिर क्या कहते हैं। थर्ड, तीसरा, ही इज ऑलवेज चीयरफुल, हमेशा खुशहाल रहता है। एंड ट्राइज टू कम्फर्ट अदर्स, और हमेशा दूसरों को सांत्वना देना या उन्हें रिलैक्स करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट एग्जांपल डज मिस्टर लैम गिव टू अवॉइड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन डेरीज माइंड। डेरी के मस्तिष्क से हीन भावना को हटाने के लिए श्रीमान लैम, मिस्टर लैम क्या उदाहरण देता है? आंसर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मिस्टर लैम गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड अ वीड। मिस्टर लैम उदाहरण देता है एक फूल का या फिर एक खरपतवार का जो फसलों को नष्ट करती है। ही टेल्स, वह कहता है, दैट अ वीड इज ऑल्सो अ ग्रीन ग्रोइंग प्लांट, कि खरपतवार भी हरा भरा बढ़ता हुआ पौधा है, एज इज अ फ्लावर, जैसा कि एक फूल। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वीड एंड अ फ्लावर, इसलिए एक फूल में और एक खरपतवार के पौधे में कोई अंतर नहीं है। अ वीड इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज अ फ्लावर, और खरपतवार भी उतना ही महत्वपूर्ण पौधा है जितना कि एक फूल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी। ईश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसमें मेरी रुचि ना हो। हाउ डू द वर्ड्स रिफ्लेक्ट मिस्टर लैम्स फिलोसफी ऑफ लाइफ, ये चंद शब्द किस तरह से मिस्टर लैम की जीवन के प्रति दार्शनिकता को दर्शाते हैं? आंसर देखेंगे, मिस्टर लैम हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मिस्टर लैम जीवन के प्रति बड़ा ही सकारात्मक रवैया रखते हैं। बोथ द नेचर एज वेल एज ह्यूमन लाइफ, दोनों प्रकृति और साथ ही साथ मानव जीवन अट्रैक्ट हिम, उन्हें आकर्षित करते हैं। द सेम वे, एक ही तरह से, हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स कीप्स हिम बिजी, वस्तुओं या चीजों के प्रति उनकी रुचि या उनका इंटरेस्ट उन्हें व्यस्त रखता है। एंड अवे फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग्स, नकारात्मक भावनाओं से हमेशा दूर रखता है। व्हाट इज मिस्टर लैम्स रिएक्शन टू सी डेरी इन हिज गार्डन। डेरी को अपने बगीचे में देखकर मिस्टर लैम का रिएक्शन क्या हुआ, उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई? मिस्टर लैम आस्क्स हिम इफ ही वॉन्ट्स टू हैव एप्पल्स। मिस्टर लैम उससे पूछते हैं क्या उसे सेब चाहिए। ही टेल्स हिम दैट ही डिड नॉट नीड टू कम देयर, और वह बताता है कि वो यहां आना नहीं चाहता, वह बताता है कि उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। देयर बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, दीवार पर चढ़कर ही मेक्स हिम फील रिलैक्स्ड, वह उसे रिलैक्स करता है, शांत करता है। ही बिहेव्स इन अ फ्रेंडली मैनर, और वह मित्रवत व्यवहार करता है उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टेट ऑफ डेरीज माइंड ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस। अपने जले हुए चेहरे के कारण डेरी की मानसिक अवस्था या मनोदशा क्या है? आंसर देखेंगे, डेरी सफर्स फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस। डेरी अपने जले हुए चेहरे के कारण अपने अंदर बड़ी ही हीन भावना महसूस करता है। ही थिंक्स पीपल आर एफ्रेड ऑफ हिम, उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचता है कि लोग उससे डरते हैं। ही थिंक्स दैट नोबडी लाइक्स हिज कंपनी और लव्स हिम, वो ये भी सोचता है दोस्तों कि ना तो उसे कोई पसंद करता है और ना ही कोई उसका साथ चाहता है। देयरफोर ही अवॉइड्स कंपनी, इसीलिए वह
लोगों के साथ रहने से बचता है एंड ट्राइज टू लिव अलोन, और अकेले रहने का प्रयत्न करता है। हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस बर्न, डेरी का चेहरा कैसे जला? द फेस ऑफ डेरी डिड नॉट गेट बर्न विद फायर, डेरी का चेहरा आग से नहीं जला। वंस डेरी हिमसेल्फ अनोइंगली गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन द साइड ऑफ हिज फेस, एक बार अनजाने में ही डेरी ने अपने चेहरे के एक ओर एसिड डाल लिया एंड द एसिड बर्नड इट ऑल अवे, और इस एसिड ने तेजाब ने उसका सारा चेहरा एक तरफ का जला दिया। हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम आखिर कौन है? हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, और डेरी किस प्रकार उनके बाग में प्रवेश करता है, पहुंच जाता है? मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही लिव्स इन अ बिग हाउस, बड़े घर में रहते हैं, अलोन अकेले। डेरी एंटर्स हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में प्रवेश करता है। बाई क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, दीवार चढ़कर। डेरी लाइक्स द प्लेस, डेरी को जगह अच्छी लगती है। एंड इन थिंग्स, और सोचता है दैट देर इज नो बडी इन साइड इट, कि अंदर कोई नहीं है। ही वॉन्ट्स टू सिट देयर, और वह वहाँ बैठना चाहता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना मोस्ट फेवरेट एजुकेशनल इंग्लिश चैनल संजीव गोस्वामी। बाय।